खेल विभाग के खिलाड़ी रेड कार्ड के लिए। ये तृतीय स्थान के लिए और इसी में साथ में पी टीम के खिलाड़ी रेड डालते हुए और काफी प्रयास करते हुए लेकिन रेडर आउट हो गया। और बहुत ही शानदार रेड, ये जो रेडर है ये बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन करती हैं, खेल विभाग की टीम के रेडर है ये। और ये पॉइंट्स देखिए इन्होंने अर्जित किया अपने अच्छे खेल के अवसर से और अपनी टीम को 6 अंकों की बढ़त दिलाई है सीनियर अकादमी टीम। सीनियर अकादमी भी टीम के खिलाड़ियों को अपने खेल में सुधार करना होगा और ये निरंतर अभ्यास से ही संभव है। जब तक कि अपने खेल में सुधार हेतु प्रयास नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे निरंतर, तब तक उनके खेल में सुधार नहीं हो पाएगा। तो इन्हें और अच्छे सुधार के लिए प्रयास करते हुए एक खिलाड़ी खेल विभाग की टीम का आउट हुआ और खेल विभाग की टीम के रेडर रैंक डालते हुए और बहुत ही शानदार रेडर रही है। देखिए अपनी टीम के लिए आप होटल पे ले जाती है या हाफ टाइम का लास्ट मिनट चल रहा है हाफ टाइम का खिलाड़ी ध्यान दीजिए और शिक्षा विभाग के सभी सहयोगियों के साथ ही निरंतर अपना योगदान देते हुए प्रतियोगिता को सफलता के लिए संपन्न कराने को। और ये कैचर आउट और ये खेल विभाग की टीम के खिलाड़ी रेड डालते हुए और लगातार यही खिलाड़ी रेड डाल रही है और एक कैचर आउट। इस तरह से 11 अंक हासिल किया। आप बैंक के बात करने चाहते हैं और सीनियर अकादमी बी टीम के खिलाड़ी रेड डालते हैं और फिर रेडर आउट। खेल विभाग की टीम के खिलाड़ियों ने चील की भांति हमला किया रेडर पर और कैच कर दिया। ये बहुत सुंदर प्रदर्शन करते हुए और अंतिम क्षण तक रेडर जो है प्रयास करते हुए रेडर आउट है। 6 बार आ खेल में कुछ भी असंभव नहीं है, अंतिम क्षणों तक कुछ भी हो जाता है। और इस तरह से 16 अकादमी बी टीम रेड के खिलाड़ी रेड डालते हुए वैसे यहाँ अच्छा प्रदर्शन कर रही है खेल विभाग की टीम और बहुत बढ़िया कैच किया रेडर को। निश्चित ही ये खेल विभाग की टीम जो है खेल विभाग के ग्राउंड में निरंतर सुबह शाम कोच रंजना भलावी के नेतृत्व में जो है प्रशिक्षण प्राप्त करती है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
22 अंक खेल वाक्य और 8 अंक